अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। क्लास थ्री इंग्लिश, लेक्चर नंबर 9, यूनिट नंबर 5, अ विजिट टू द म्यूज़ियम। पहले हम लोगों ने इसके वर्ड्स मीनिंग किए थे, उसके बाद वर्ड सेंटेंसेस, बुक रीडिंग, क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग कर रहे हैं बुक वर्क। बुक वर्क पे नंबर 30, लेट वी स्टार्ट आवर लेसन। Sort out the given nouns as common or proper. Sort out बाहर निकालें, तलाश करें द गिवन नाउन्स, जो नीचे उन्होंने नाउन्स दिए हुए हैं, as common or proper. Common और proper nouns को इनमें से sort out करें। Noun, name of everything is called noun. अब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को हम लोगों ने सॉर्ट आउट करने हैं। कॉमन नाउन कौन से होते हैं? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस आर थिंग। कॉमन कहते हैं आम शख्स जगह या चीज़ के नाम को। और प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी खास शख्स जगह या चीज़ के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। नाउन तो कहते हैं किसी भी शख्स जगह या चीज़ के नाम को। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, लेकिन ये नाउन की टाइप है। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन, कॉमन में आ जाएंगे आम और प्रॉपर में आ जाएंगे खास। अब इन्हीं में से वर्ड निकाल के हम लोगों ने इस कॉलम को फिल करना है। कॉमन नाउन में है टीचर। टीचर कॉमन नाउन है। अगर टीचर का नेम होता तो प्रॉपर नाउन होता, फिर हमें पता होता है ये टीचर है। टीचर उस्ताद, आपको नहीं पता कौन सा उस्ताद है। टीचर कॉमन नाउन। नेक्स्ट है रूम। अगर ये किसी रूम का नेम होता तो ये होता प्रॉपर नाउन, तो ये कॉमन नाउन है। जैसे प्रॉपर नाउन में कायद आज़म, अगर यहाँ पे होता जस्ट नेम तो ये कॉमन नाउन में आता है। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है कायद आज़म, तो ये है प्रॉपर नाउन। नेम से ये साइड वर्ड है। नेक्स्ट है मंडे। मंडे प्रॉपर नाउन है। मंडे नेम साइड वर्ड है। सोमवार, पता चल रहा है ये कौन सा दिन है। अगर जस्ट डे होता तो वो होता कॉमन नाउन। अब कॉमन, अब ये है प्रॉपर नाउन मंडे। कॉइंस सिक्के, कॉमन नाउन देखिए कॉइंस सिक्के। अगर होता है कि ये 5 का सिक्का तो वो प्रॉपर नाउन में आता है कॉइंस सिक्के, ये कॉमन नाउन है। बॉय, बॉय भी कॉमन नाउन है क्योंकि इसका नेम नहीं है। अगर नेम होता तो ये प्रॉपर नाउन होता है, जैसे कायदे आज़म। नेक्स्ट है स्टैम्प। स्टैम्प हर इदारे की, कहीं भी चले उनकी स्टैम्प होती है, उधर उनका नेम और एड्रेस लिखा होता है। जिसे जो होता है ये उसकी स्टैम्प है। स्टैम्प, स्टैम्प के साथ नेम नहीं है। स्टैम्प, स्टैम्प कोई भी हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन है। लास्ट वर्ड इज गैलरी। गैलरी अगर होता है इस्लामिक गैलरी, जैसे हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा था, तो ये होता प्रॉपर नाउन। जिस गैलरी है तो ये है कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन में हो गया कायदे आज़म, मंडे, मुस्लिम स्कूल। अगर स्कूल होता तो ये कॉमन नाउन होता, यहाँ पर उन्होंने नेम साइड है मुस्लिम स्कूल, तो ये प्रॉपर नाउन है। लाहौर जस्ट प्लेस होता, प्लेस का नेम, प्लेस का नेम नहीं है, प्लेस है तो ये कॉमन नाउन है। प्लेस नेम से जाहिर है लाहौर, तो ये प्रॉपर नाउन है। लास्ट वर्ड इज सादिकीन। लास्ट वर्ड इज सादिकीन, ये भी प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट बुक पे नंबर 31, राइट आ नैरेटिव पैराग्राफ ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। टॉपिक्स दिए हुए हैं, हम लोगों ने इनको मद्देनजर रखते हुए पैसेज लिखना है। फर्स्ट टॉपिक अ विजिट टू द जू। नेक्स्ट है द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। टॉपिक ऐसा चूज करें जो कि पैसेज ऐसा लिखे जिसमें ये दोनों आ रहे हों। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अ विजिट टू द जू द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। पैसेज है लास्ट संडे आई विजिटेड द जू विद माई पेरेंट्स। लास्ट संडे आई विजिटेड द जू विद माई पेरेंट्स। वी एंटर्ड द जू एट 10 AM। वी सॉ रेयर एंड यूनिक थिंग्स इन द जू। आफ्टर विजिटिंग द जू वी गेन अ ग्रेट वेल्थ ऑफ नॉलेज। We came back home at 3 PM. I was very happy at 10 day.
लास्ट संडे पिछले इतवार आई विजिटेड मैंने सैर की द जू चिड़ियाघर की विद माय पेरेंट्स अपने वालदैन के साथ. वी एंटर्ड द जू हम जू में एंटर हुए एट 10 AM 10 बजे वी सॉ रेयर एंड यूनिक थिंग्स हमने देखी रेयर नायाब एंड यूनिक थिंग्स और नई चीज़ें इन द जू चिड़ियाघर में. आफ्टर विजिटिंग द जू चिड़ियाघर की सैर करने के बाद वी गेन अ ग्रेट वेल्थ ऑफ नॉलेज हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल हुआ. वी केम बैक होम हम घर वापस आ गए एट 3 PM आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट डे उस दिन मैं बहुत खुश था. नेक्स्ट है डायरी. जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाया और बताया भी है कि कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है, कैसे हम इन नाउंस में से कॉमन और प्रॉपर नाउन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो डायरी में है होमवर्क इज फाइंड आउट कॉमन एंड प्रॉपर नाउंस फ्रॉम बुक रीडिंग. आप बुक रीडिंग में देखें बहुत से नाउंस हैं कॉमन नाउंस और प्रॉपर नाउन लिखें. एक साइड पर लिखें बुक के पेज के एक साइड पर लिखना है कॉमन नाउन और दूसरे पर प्रॉपर नाउन. नीचे उन लोग उनके आपने वो नेम लिख देने हैं, एग्जांपल्स लिख देनी है. बुक पे नंबर 25, 26, 27, यूनिट नंबर 5, आप विजिट टू द म्यूज़ियम. ओके, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. आपने नीट नहीं लिखना है प्यारा प्यारा और प्रॉपर राइटिंग में. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अच्छे से लेसन करना.